आए हैं, कहीं ना कहीं अपील कर रहे हैं यूक्रेन से भी, रूस से भी, कहीं ना कहीं आप अपील कर रहे हैं, आप आयोजक हैं इसके। क्या नाम है आपका? मेरा संजय मैगी नाम है, संजय मैगी, और हमारी यूनिटी इन कम्पैशन संस्था है और मैं उसका अध्यक्ष हूँ। और हम लोगों ने ये सोचा कि सारी दुनिया लगी हुई है शांति के लिए, तो हमारे देश में ईसाई, मुसलमान, सरदार और हिंदू, हमने तीनों के गुरुओं को बुला के यहाँ पे प्रेयर करी उनके लिए ताकि शांति हो सके। और हम ये चाहते हैं कि दोनों देशों में बातचीत से हल निकले और जो हजारों बच्चे, सौ बच्चे मर गए, हजारों लोग मर गए, चाहे वो इधर के हों चाहे उधर के हों, और उसकी वजह से एक महंगाई बढ़ रही है देश में, पूरी विश्व में, और बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही है, वो सब चीज़ ख़त्म हो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं पीसफुली। हम जानते हैं कि हम लोग थोड़े हैं गिनती में, मगर पूरा हिंदुस्तान इस टाइम यही चाहता है जो हम चाहते हैं कि पीस हो। आपकी भारत से अपील करके क्या वो लोग मान जाएंगे, आपको लग रहा है? हम जो अपील कर रहे हैं हम अपने ऊपर वाले से कर रहे हैं, भगवान से, अल्लाह से, तो वो तो सब जगह शांति करा सकता है। और हमारा विश्वास है कि कल से जब से हम लोगों ने एक हफ्ता हो गया हमें इस चीज़ को करते हुए, तो जब से प्रेयर्स हो रही है तो उसके बाद कल हमें लगा कि अब शांति का माहौल बन रहा है और इस हफ्ते तक शांति हो जाएगी वहाँ पे। क्या लगता है कि हिंसा करना हर चीज का समाधान है क्या? अहिंसा से हम बहुत चीजें प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश में जो हम आजाद भारत में हैं, वो गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई अहिंसा से, कोई हिंसा नहीं करी उन्होंने, और हम भी वही चीज चाहते हैं कि ये लड़ाई जो है प्यार से, शांति से ही रुके। हम यही अपील करेंगे दोनों देशों से कि बैठ के आपस में बात करें और शांति हो, ताकि जो पूरे विश्व में इसका इम्पैक्ट खाली यूक्रेन या रशिया पे नहीं है, पूरे विश्व पे पड़ रहा है, तो उसमें शांति हो और सारे लोग जो पीस रहे हैं गेहूं के साथ गुण, वो भी खत्म हो। यही अपील है कि शांति। देखिए, महिला सशक्ति जिसे कहेंगे, अगर महिला अगर अपने पर आ जाए तो वह ऐसी ऐसी चीजें मनवा देती है जिसे भगवान भी मजबूर हो जाता है, ईश्वर भी मजबूर हो जाता है करने के लिए। तो हमारे साथ एक महिला शक्ति जो है हमारे साथ मौजूद है, जो कि यूक्रेन में जिस तरीके से वारदातें हो रही हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं शांति की अपील कर रही हैं। मैम, पहले मैं आपका नाम पूरा जानना चाहूँगा, पूरा परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम मीनाक्षी सिंह है, जनरल सेक्रेटरी यूनिटी इन कम्पैशन। मैम, आज आप नई दिल्ली के जंतर मंतर से कहीं ना कहीं अपील कर रही हैं, यूक्रेन हो चाहे रूस हो, कि शांति बनाए रखे। बिल्कुल, मेरी अपील है, मैं एक शांति के ऊपर एक शेर भी अर्ज करना चाहूँगी कि ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पे है, ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो जिस तरीके से इस समय माहौल बना हुआ है पूरे विश्व भर में, यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई है उसका इफेक्ट जो पूरे विश्व भर में आ रहा है, तो उसको देखते हुए हमारी ये अपील है कि शांति बनी रहनी चाहिए और जो चीज़ें उठ रही हैं उनको, उनका सॉल्यूशन निकाल के एज अर्ली एज पॉसिबल इसको ख़त्म करें, ताकि इसका प्रभाव विश्व के और देशों पर ना पड़े। तो मेरी यही अपील है कि हमें शांतिपूर्वक इस चीज़ का निचोड़ निकालना है और इस चीज़ को रोकने के लिए भरपूर कोशिशें अपनी इंसान को करनी है, क्योंकि हम लोगों की आस्था हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर हमारी आस्था है भगवान ईश्वर अल्लाह यीशु मसीह। तो यदि हम उस आस्था पे उतरते हैं तो दुआएं पत्थरों को भी तोड़कर निकलती हैं, तो दवा काम नहीं आती, वहाँ दुआ काम आती है। तो यहाँ पर हम वही दुआ करने के लिए, शांति के लिए, ताकि विश्व भर में इस चीज का कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और जो कुछ हो चुका, जो नरसंहार, जो भी बर्बादियां हो चुकी हैं, वो यहीं पर थम जाए और रुक जाए। आपको लगता है कि आपकी जो अपील, आप लोग भारत में रह करके जो अपीलें कर रहे हैं लगातार, तो इस पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, लग रहा है? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि पूरा विश्व भर से हर देश इस चीज की अपील कर रहा है कि शांति बनाइए, शांति बनाइए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी मोहब्बत उन लोगों के साथ है। ये नहीं है कि हम हिंदुस्तानी है तो हम हिंदुस्तानियों से ही मोहब्बत करते, नहीं, हमें सबसे मोहब्बत करनी है, क्योंकि जो खून हम में चल रहा है वही खून उन लोगों में चल रहा है। तो उसी
पैगाम को फैलाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और यहाँ पर हर तरीके का लोग है। ये नहीं है कि हमारी एक ही कम्युनिटी है, यहाँ पर क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख भी हैं, हिंदूज भी हैं। तो ये एक पैगाम मिला जुला करके हम लोग यहाँ पर देने आए। मैम क्या लगता है कि जो ये युद्ध हो रहा है उससे क्या नुकसान ही नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान है, आप ही देखिए ना, युद्ध लड़ाई किसी भी बात का निचोड़ नहीं है, लड़ाई किसी बात का निचोड़ नहीं है। जो चीज प्रेम से सुलझ सकती है तो उसको लड़ाई में क्यों करा जाए? और ये कोई का आखिरी अंत पतन है, ये पतन है, बिल्कुल पतन है। आप ये देखो ना कितना बर्बादी हो रही है देशों में, तो पतन है। या तो घरों में भी लड़ाई होती है ना, ये कि लड़ाई कोई निचोड़ नहीं है, लड़ाई कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति बनी रहनी चाहिए। तो देखा आपने जिस तरीके से नई दिल्ली के जंतर मंतर से लगातार जो है यूक्रेन हो चाहे रूस हो, सभी देशों को जो है अपील की जा रही है कि युद्ध जो है समस्या का समाधान नहीं है। तो बार बार ये कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें, शांति से ही सब चीजें सॉल्व करें।